हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा यार, जब भी तो आपको नॉलेज मिलेगी कि स्टील दो तरह की होती है। एक लोकल स्टील कह सकते हैं, एक तरीके का साल डेढ़ साल बाद जंग लग जाता है। तो चलिए फुल रिव्यू करते हैं, दिखा दिखा के आपको बताते हैं क्या क्या मटेरियल है और क्या क्या कितने का बन जाता है। तो ये है मेरे बैक साइड में एक गेट, देख सकते हैं आप दोस्तों। और नमो बुद्धाय लिखवाया कस्टमर ने। पिछले वीडियो में आपने एक वीडियो और बनाई थी मैंने, उसमें बिल्कुल सेम डिज़ाइन यही था। और उसमें क्या था, यहाँ हमने स्वास्तिक बनाए थे और यहाँ ओम बनाया था। और इस वाले गेट में रिक्वायरमेंट आई है कस्टमर की कि नमो बुद्धाय लिखवा के अशोक चक्र के चारों तरफ डिज़ाइन बना देना। तो हमने वो दोस्तों बना दिए हैं, देख सकते हैं आप। गेट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर एक और गेट आपको सेम देखना है, बिल्कुल मतलब ओम लिखा है और चारों कोने पे स्वास्तिक है, तो आई बटन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिएगा। खूब सारे गेटों की वीडियो भी मिलेगी आपको। तो गेट कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माल की बात करते हैं, इसमें माल क्या क्या यूज़ किया है हमने दोस्तों। 3:1 का पाइप यूज़ किया है, 1x1 का पाइप ये यूज़ करे हैं, और बिडिंग लगा के 1/2 का डाला है पीछे से। और ये वाले जो देख रहे हो आप, ये 1.5 के पाइप हैं, और एक छोटा सा हमने इसमें हैंडल भी दिया है। वैसा तो इसकी ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, क्योंकि आदमी खोलेगा तो इसी से ही, जब इसे करोगे तो खोलना भी इसी से ही पड़ेगा। बाकी ये लुक वाइज के लिए लगा देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये है 6mm की हमारी HPL सीट, देख सकते हैं। स्टड भी लगाए हैं हमने यहाँ पर डिज़ाइन के लिए। तो बस माल तो दोस्तों इतना ही है, और एक चौखट है इसकी 1.25x1 पाइप की है दोस्तों, ये देख सकते हैं। लकड़ी की चौखट में ये दो स्क्रू लग जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और लॉक के लिए कटिंग कर रखी है दोस्तों ये वाली, ये देख सकते हैं आप, ये लॉकिंग के लिए ये कटिंग कर रखी है। और पीछे से दिखता है कुछ इस तरीके का, ये देख सकते हैं आप। इसमें दोस्तों हमने जाली नहीं लगाई, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसीलिए हमने जाली नहीं लगाई। वैसे हम अपना जो प्राइस बताते हैं जाली लगाकर ही बताते हैं, अगर जाली नहीं लगवाते आपको प्राइस भी उतना ही पड़ने वाला है, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है थोड़ा फिनिशिंग में अंदर से, क्योंकि जाली लग जाती है तो थोड़ा बहुत मतलब ढक जाता है उससे, काफ़ी चीज़ें ढक जाती हैं तो अच्छा लगता है गेट। बाकी फिर अगर कस्टमर जाली नहीं चाहते तो उसके लिए फिर हमें पूरी गेट के मतलब बैक साइड से भी फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो प्राइस में कोई मतलब कम बढ़ती कुछ नहीं है, जाली लगवाइए या मत लगवाइए आपकी इच्छा है, प्राइस वही पड़ने वाला है आपको। तो ये देख सकते हैं लॉक रिक्वायरमेंट पे लगाया गया है दोस्तों, लिंक का लॉक लगाया है इसमें, ये देख सकते हैं आप। 3 इसमें रोड आती हैं, ये देख सकते हैं। और में जैसे कि आप देख ही सकते हो हमारे हरिसन का लॉक जो होता है वो पूरा एक होता है, इसमें 3 पीसों में बांट दिया गया। तो ये देख सकते हैं लिंक लॉक है ये दोस्तों। हैंडल की लुक देखी जाए तो आपके सामने है, फिनिशिंग की बात करी जाए तो आपको A1 फिनिशिंग मिलने वाली है दोस्तों। एक काम करिए आप, अगर हमारी फुल वीडियो आप देखना चाहते हो किस तरीके से हम गेट पर पॉलिश वगैरह करते हैं, फिनिशिंग वगैरह करते हैं, तो आई बटन पर नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वहाँ जाके देखिएगा। फुल वीडियो मैंने बना रखी है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या मटेरियल लगता है, फुल डिटेल में बताया हुआ है। तो इसी चीज़ के दोस्तों पैसे हैं, काफ़ी जगह स्टील का गेट बना तो देते हैं, फिनिशिंग नहीं दे पाते, तो वही चीज़ मैन होती है दोस्तों, फिनिशिंग का काम। देखिए आप कितने प्रोडक्ट उसमें लगते हैं, तो फुल तरीके से मैंने वीडियो बनाई हुई है। प्राइस की बात करी जाए तो दोस्तों सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं प्राइस वगैरह क्या है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा बोर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख रहा है, एड्रेस भी आपका पूरा लिख ही रहा है, ये देख सकते हैं। तो गेट कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली का ये गेट है दोस्तों, दरियागंज का। काफ़ी लोग सस्ते के चक्कर में आ जाते हैं, तो सस्ते के चक्कर में मत आइएगा दोस्तों, हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये आपका सस्ता बन जाए, आप वहाँ बनवा लो। सेटिस्फाइड तो वो पूरा कर देंगे पर आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं दे पाएंगे, दे सकते हैं जैसा कि ये लिख रहा है 304 जिंदल का। वो क्या करते हैं, 1-2 मोहर के पाइप लगा देते हैं, उससे आपको लगता है हाँ भी लिख रहा है पूरा 304 है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। काफ़ी जगह लिखा भी नहीं रहता, जैसा कि ये है पूरे पाइप पर लिखा नहीं है, पर है 304 का ही हमारा माल, हो सकता है वो नकली माल लगा दें, 202 का लगा दें। तो ये काफ़ी चल रहा है दोस्तों, इस चीज़ से आपको सावधान रहना। केमिकल आता है एक, वो ड्रॉप मांगिएगा, अपनी तरफ से ही हर जगह डाल डाल के देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा ओरिजिनल है या लोकल है। ड्रॉप डालने से क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ओरिजिनल स्टील पर, अगर लोकल पर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा बिल्कुल।
तो ये पहचान होती है असली और नकली स्टील पता करने की। तो गेट कैसा लगा दोस्त, कमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना दोस्तों। तो फटाफट लगाने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ थोड़ी बहुत आपको लगा के दिखा दें कैसा लगता है लगने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ोटो वगैरह चाहिए हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।